फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निहारी डी। बॉलीवुड में हर जॉनर की बेहतरीन फिल्में बनी हैं। कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें भूलना मुमकिन ही नहीं। बात रोमांस की हो तो बॉलीवुड का जवाब नहीं है। ऐसी कहानियां और किरदार की लोग इनके साथ खुद को जोड़ ले, इनकी दुनिया में खो जाए। इन फिल्मों के बीच कुछ ऐसी फिल्में भी आई जो लीक से थोड़ी हटकर थी। इन फिल्मों ने प्यार की कन्वेंशनल डेफिनेशन को नकार दिया और दो लोगों के बीच ऐसे रिश्ते बना दिए जो आमतौर पर कॉमन नहीं रहे। सबसे अलग बात ये रही कि दर्शकों ने इन फिल्मों पर अपनी मोहर लगाकर साबित कर दिया कि वे नएपन और अजीब चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार है। इन फिल्मों के लीड एक्टर लोगों को अपने आसपास जैसे लगे, लोग अपनी जिंदगी में उन्हें तलाशने लगे। आइए बात करते हैं इस वैलेंटाइंस डे के मौके पर ऐसी 14 फिल्मों की जो पिछले दो दशकों में आई और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म मोहब्बती की। 2000 में सितारों की भीड़ वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे सितारे थे। चार जोड़ियों के गहरे प्यार में दर्शाया गया और उनके रिश्तों में किस तरह की मुश्किलें आई ये भी इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। अगली फिल्म की अगर हम बात करें तो वो है फिल्म क्या कहना, जो कि 2000 में रिलीज हुई। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की क्या कहना एक सामाजिक मुद्दे को उजागर करने में सफल साबित हुई। शादी से पहले प्रेग्नेंट होने और उस दौरान लड़की और उसके परिवार की परेशानियों के इर्द गिर्द ये फिल्म रही। गदर एक प्रेम कथा। 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म सरहद पार के इश्क को दर्शाती है। सरहद पार होने के बावजूद भी सनी की अपने प्यार को पाने की जिद फिल्म की कहानी है। अगली फिल्म है तेरे नाम, जो कि 2003 में रिलीज हुई। सलमान खान ने इस फिल्म में राधे बनकर लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। असफल प्यार किसी को किस हालत में पहुंचा सकता है, इस फिल्म में खासियत रही। अगली फिल्म है हम तुम। 2004 में आई सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की इस फिल्म में एक यंग केयर फ्री अपनी मस्ती में मस्त लड़की और पति को खो चुकी एक लड़की की लव लाइफ पर बेस्ड है। इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। अगली फिल्म है मैं, मेरी पत्नी और वो। 2005 में आई इस फिल्म में हीरो के नाम पर राजपाल यादव थे, जो अपनी कम हाइट के कारण हमेशा खुद को कमतर समझते रहे। एक लंबे हाइट की पत्नी के कारण उनको जो मुश्किलें आती है, फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। अगली फिल्म है कभी अलविदा ना कहना। 2006 में आई कभी अलविदा ना कहना में नामचीन सितारों की भरमार थी। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की इस फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मुद्दे को उभारा गया। अगली फिल्म चीनी कम, जो कि 2007 में रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन और तब्बू की चीनी कम में एक बार फिर से एक बेमेल जोड़ी को साथ दिखाया, जिनके बीच उम्र का लंबा फासला भी किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं कर सका। जब वी मेट 2007 में रिलीज हुई। करीना कपूर खान और शाहिद कपूर की इस फिल्म में करीना के किरदार को लोगों का भरपूर प्यार मिला, क्योंकि अपनी मस्ती में मगन एक अलहड़ सी लड़की की जिंदगी में क्या क्या बदलाव होते हैं और उसका ये मस्ती भरा अंदाज उसे किस मुसीबत में डालता है, इस फिल्म में बखूबी दर्शाया गया। लव आजकल। 2009 में आई सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म लव आजकल ने दो अलग जनरेशन में प्यार को लेकर लवर्स की समझ पर रोशनी डाली। जहां एक जनरेशन प्यार को जीवन में एक बार होने वाली चीज समझती है, तो वहीं दूसरी जनरेशन के लिए ये बार बार होने वाला इवेंट है। कॉकटेल। 2012 में दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान के इस फिल्म में अफेयर मटेरियल और मैरिज मटेरियल को लेकर लोगों के मन में अंतर पर जोर डाला गया। अफेयर किसी के भी साथ, लेकिन शादी को लेकर अलग नियम आड़े आ जाते हैं। अ
अगली फिल्म है लंच बॉक्स। इरफान खान की लंच बॉक्स 2013 में रिलीज हुई थी और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने दो ऐसे लोगों की नजदीकियां दिखाई जिनका आमतौर पर कोई मेल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है कि एक बुजुर्ग आदमी और एक नई उम्र की शादीशुदा महिला करीब आ जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म तमाशा की, जो कि 2015 में आई। तमाशा में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे। ये कपल एक दूसरे से अपनी पहचान को छुपाकर साथ रहते हैं, करीब आते हैं और फिर अपनी राह पर चल देते हैं। फिर जब ये दोबारा मिलते हैं तो क्या होता है, फिल्म की कहानी है। गोलियों की रासलीला रामलीला। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री इस फिल्म में नजर आने लगी थी। दो दुश्मनी वाले परिवार के बाद इनके मोहब्बत को मुकाम पर पहुंचाने की जिद कैसे इनके खत्म होने की इबारत लिखती है, फिल्म में बखूबी दिखाया गया है।